यदि आदिवासी अलग अलग धर्मों में सब चले जाएंगे, किधर जा रहे हैं इस आप इसलिए आप पर मतलब ज्यादा देखिए सभी तरफ जा रहे हैं, लेकिन ईसाई तरफ ज्यादा जा रहे हैं। कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई क्रिश्चियन बन गया। तो हमारा भाषा संस्कृति पर्व त्योहार हमारा सोच संस्कार सब खत्म हो जाएगा। तो उस हालत में आदिवासी तो बचेगा ही नहीं। मतलब डीलिस्टिंग होनी चाहिए, डीलिस्टिंग होनी चाहिए और कोई बिल्कुल होनी चाहिए, तभी लोग इधर उधर जाने से रुकेंगे या जो गए हैं वो भी वापस आएंगे। ने डीलिस्टिंग का मुद्दा उठाया, डीलिस्टिंग क्यों जरूरी है, उससे कैसे आपका सरना धर्म और आदिवासियों के लिए हानिकारक है चाहे बाधा पहुंचा रहा है स्पष्ट? देखिए आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति पूजा से हमारा मतलब है हमारी भाषा संस्कृति पर्व त्यौहार जो भी रीति रिवाज आदि हैं प्रकृति के साथ जुड़े हैं। यदि आदिवासी अलग अलग धर्मों में सब चले जाएंगे, कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई क्रिश्चियन बन गया, तो हमारा भाषा संस्कृति पर्व त्यौहार हमारा सोच संस्कार सब खत्म हो जाएगा। तो उस हालत में आदिवासी तो बचेगा ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं बचेगा, पहचान नहीं बचेगा, हिस्सेदारी नहीं बचेगा। इसलिए लोग अपनी धर्म को छोड़ के इधर उधर ना जाएं। किधर जा रहे हैं इस आप इसलिए आप पर मतलब ज्यादा देखिए सभी तरफ जा रहे हैं, लेकिन ईसाई तरफ ज्यादा जा रहे हैं। और ईसाई धर्म एक प्रकार से आदिवासियों की भाषा संस्कृति और जड़ों को तोड़ के खत्म कर रहा है। और ईसाई धर्म को विदेश से भी मदद मिल रही है, माइनॉरिटी का भी फायदा ले रहे हैं और ST का भी फायदा ले रहे हैं। तो इसलिए ईसाइयों पर हमारा ज्यादा चिंता है। और संताल परगना में और एक घटना दुर्घटना जो चल रहा है कि JMM पार्टी ने वोट बैंक के लिए सारे ईसाई और मुसलमानों को गले लगा लिया है, उनके लिए ही राजनीति कर रहा है। तो सरना धर्म मानने वाले जो आदिवासी हैं उनके साथ घोर अन्याय रोज पर रोज चल रहा है। उनका रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, जमीन लूट हो रहा है। कहाँ बांग्लादेशी लोग पूरे संताल परगना में भर रहे हैं, सबके लिए JMM जिम्मेवार हैं। तो JMM को इससे मतलब नहीं है, JMM को पिता पुत्र को केवल गद्दी से मतलब है, सत्ता से मतलब है, नोट से मतलब है। और पिता पुत्र 5 बार CM बन गए, ना हमारा धर्म बचाया, ना भाषा बचाया, ना जमीन बचाया, ना रोजगार बचाया, ना मरंगबुरु बचाया। तो पहले भी झारखंड को 3.5 करोड़ में बेचा, अभी मरंगबुरु को बेचा, अभी CNT SPT कानून को तोड़ा, अभी रोजगार सब बाहर के लोगों को दे रहा है। तो ये लोग एक प्रकार से झारखंड को बेचने का काम कर रहे हैं। तो हमारा चिंता कि धर्म का इधर उधर आदिवासी के भटकाव से या प्रलोभन के कारण भी आदिवासी लोग अलग अलग धर्म में चले जाएंगे, तो हमारा जो असली अस्तित्व है, पहचान है या हमारी जो हिस्सेदारी है, इस पर भारी हमला है। मतलब डीलिस्टिंग होनी चाहिए, डीलिस्टिंग होनी चाहिए और कोई बिल्कुल होनी चाहिए, तभी लोग इधर उधर जाने से रुकेंगे या जो गए हैं वो भी वापस आएंगे। हम तो चाहते हैं जितने आदिवासी ईसाई बने हैं उनको वापस आना चाहिए, अन्यथा उनके लिए भविष्य में खतरा ही खतरा। नियोजन नीति के नाम से स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, ये कोई समाधान के लिए नहीं कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तब तक इस झुनझुना को बजाते रहना है। ये लोग दोहरी एक राजनीति कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, उसको स्पष्ट करना चाहिए। उसी प्रकार अभी स्टूडेंट लोग का भी आंदोलन, एक तरफ बोलते हैं कि 60-40 नहीं चलता हो, फिर मांग करते हैं 1932 का कतियान लागू करो। तो ना 1932 का कतियान कभी लागू होगा, ना 60-40 लागू होगा। अरे क्या लागू होगा वो बताओ। तो उनके पास कोई सकारात्मक नीति नियम रणनीति नहीं है, लेकिन बंदी कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं। तो ऐसा करने से जनता को हरासमेंट होता है, हम लोग वैसा नहीं चाहते हैं। हम झारखंड में जो नियोजन पर प्रॉब्लम चल रहा है उस पर भी हमने स्पष्ट नीति बोला है कि झारखंड में प्रखंडवार नियोजन नीति लागू किया जाए। जितना नौकरी सरकार का है उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दे दो, 10% शहरी क्षेत्रों को दे दो। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्थानीय मान लो, उसके लिए ना खतियान का जरूरत है, ना नियोजन नीति का, ना आरक्षण नीति का। उस प्रखंडवार उसको कोटा बना के उसी प्रखंड के आवेदकों से भरो और उस प्रखंड में जिस जाति का जो आबादी अनुपात होगा उसके हिसाब से बांट दो। तो 2-3 महीना में ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पक्ष और विपक्ष
और कुछ जो नियोजन नीति के नाम से स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, ये कोई समाधान के लिए नहीं कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तब तक इस झुनझुना को बजाते रहे। कि कुड़मी के लोगों ने आदिवासी से छुआछूत करते हैं, पानी नहीं भरने देते हैं लोहरा जाति को लेकर, क्या झारखंड के गांवों में इस तरह की छुआछूत है? जो सिल्ली में जो घटना हुई है, मुझे लगता है एक बहुत अनहोनी बात नहीं है। ये कुड़मी महत्व जो है ना, वो संतालों को नीचे जात के रूप में देखते हैं। कुड़मी के घर में कुछ खाओ पियो तो उसका बर्तन धो के जाना पड़ेगा, तो इसलिए ये गांव के खासकर संताल भाई लोगों को पता है कि महतो लोगों के साथ उनका तालमेल नहीं है। आपने देखा होगा सिल्ली से आई थी कि कुड़मी के लोगों ने आदिवासी से छुआछूत करते हैं, पानी नहीं भरने देते हैं लोहरा जाति को लेकर। आप गांव-गांव में घूम रहे हैं क्या? लेकिन कहा गया कि एक तरीके से दुष्प्रचार है, कुड़मी समाज को बदनाम करने के लिए इस तरह की खबरें आ रही। आप गांव में, क्या झारखंड के गांवों में इस तरह की छुआछूत है? देखिए, आदिवासी गांवों में बहुत समय से ये प्रचलित बात है कि कुड़मी और आदिवासी संताल, ये कुड़मी महत्व जो है ना, वो संतालों को नीचे जात के रूप में देखते हैं। कुड़मी के घर में कुछ खाओ पियो तो उसका बर्तन धो के जाना पड़ेगा, ऐसी परंपराएं हैं। और एक प्रकार से आदिवासी गांवों में, अभी कुछ वर्षों के पहले बाहर से लोग आए हैं जिसको दिकू बोलते हैं, लेकिन पहले अलग राज आंदोलन जब हो रहा था तो आदिवासी लोग ही आंदोलन कर रहे थे, और जितने भी बाकी जो लोग खासकर कुड़मी महतो लोग, बड़ी चिंता करते थे कि उनको लगता था कि संथाल या बाकी जो आदिवासी हैं उनके लिए महतो लोग ही दिकू हैं। और बहुत जगह पर ऐसा देखा गया है, महतोई लोग उनका जमीन या बाकी चीज़ों को लिया हुआ है, तो इसलिए ये गांव के खासकर संथाल भाई लोगों को पता है कि महतो लोगों के साथ उनका तालमेल नहीं है। और ये जो सिल्ली में जो घटना हुई है, मुझे लगता है एक बहुत अनहोनी बात नहीं है। और अभी जो कुर्मी महतो भाई लोग एसटी बनना चाहते हैं, तो देखिए, कोई एसटी बने, एससी बने, ओबीसी बने, या कोई ऊंची जात भी बनने की मांग करे तो उसकी आज़ादी है, लेकिन कुर्मी महतो या इसी प्रकार ऊंची जात के लोग आदिवासी बनने लगेंगे तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव, हो, भूमिज, खड़िया, बिरहोड़ इत्यादि, हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे, फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे। इसलिए हम सीधे सीधे कुर्मी महतो का विरोध नहीं करके JMM, कांग्रेस, TMC, बीजू जनता दल, इन लोगों ने लिख कर अनुशंसा दे दिया है कि इनको ST बनाओ, तो हम इन चार पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा विरोध करते हैं। BJP का विरोध इस समय हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2-3 महीना पहले 12 जातियों को ST में शामिल किया गया। BJP की केंद्र सरकार ने कुर्मी महतो को शामिल नहीं किया, अर्थात कुर्मी महतो के मामले पर वो असमंजस की स्थिति में है। तो हम उनको लिख कर भी दिए हुए हैं, अब भारत के राष्ट्रपति को हमने 6 मई 2023 को लिख के दिया कि कुर्मी महतो या और भी ऊंची जातियों को ST बनाया जाएगा तो झारखंड या बृहद झारखंड क्षेत्र में मणिपुर जैसी हालत बन सकती है। इसलिए किसी को भी ST बनाने के पहले, जो पहले से ST हैं, उनकी अस्तित्व पहचान हिस्सेदारी पर आघात ना पहुँचे, उसका विचार होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, जरूरत पड़े तो कोई नीति निर्धारण होना चाहिए, अन्यथा भीतर भीतर ज्वालामुखी जल रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा कोई काम ना किया जाए। वोट बैंक और राजनीतिक लालच से इस जाति उस जाति को ST बना दिया और असली ST का गला घोंट दिया, तो ये नहीं होना चाहिए।